नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। 1971 का वह दिन किसे याद नहीं होगा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश सामने आया था। जो देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया था उसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 16 दिसंबर 1971 से पहले दुनिया इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानती थी। भारत की सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बांग्लादेश के 15 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों यह युद्ध हुआ था। दरअसल पाकिस्तान की नीतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ रहा था। पाकिस्तान युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई इलाकों में बम गिराए। पाकिस्तान की मंशा थी कि भारत के इलाके पर कब्जा कर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला लिया जाए। पठानकोट, अमृतसर जैसी कई जगहों पर बमबारी हुई। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारत कैसे चुप बैठ सकता था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के वो सबक सिखाने की ठान ली। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पहले ही संघर्ष कर चुके थे। उनके फॉर्मूले को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान के अत्याचारों से बेकसूर जनता को बचाने के लिए मुक्त वाहिनी सेना बनाई गई, जिसकी भारत ने मदद की। इन्हीं बातों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान की हरकत के बाद 3 दिसंबर को भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया था। इस हमले में पाकिस्तान के 4 जहाज डूब गए थे और 500 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान की तो कमर ही टूट गई। इसके बाद 8 दिसंबर की रात नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। भारत ने पाकिस्तान के 15,000 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 13 दिनों में ही सेना ने पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। 1972 के शिमला समझौता में भारत ने जीती हुई जमीन लौटा दी और युद्ध बंदियों को भी मुक्त कर दिया। इस तरह भारत ने 16 दिसंबर को विजय गाथा लिखी थी। तब से हर वर्ष हमारा देश 16 दिसंबर को इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने भारत से टकराने की कोशिश की है, भारतीय सेना ने उसे धूल ही चटाया है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का युद्ध हो, हर बार पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का ही सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की शुरू से ही मंशा रही है कि वो भारत में आतंक फैलाए और भारत में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाए, लेकिन अपने इस मकसद में पाकिस्तान सफल ना हो पाया है और ना कभी हो पाएगा। क्योंकि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो भारत की जनता एक साथ एक स्वर में अपने सरकारों अपनी सेना के साथ खड़ी रहती है, और यही हमारे देश को महान बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।